हेलो दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश और कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के लगभग सभी के सभी जिलों में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जो है शीतलहर चलने वाली है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन जिलों में भारी ठंड होगी और किन जिलों में जो है गर्मी के एहसास रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते ना, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों, हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले, गांव या शहर में रहते हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में कहां पर रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। मध्य प्रदेश में ठंड का एक और दौर शुरू हो गया है। बात दो जिलों को जोड़कर जो है छोड़कर सभी के सभी जगहों पर रात के तापमान में जो है 10 डिग्री से कम रहा तापमान। वहीं राजधानी भोपाल में पारा 0.3 डिग्री लुढ़क कर जो है सीधा 7.9 डिग्री पर पहुंच गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग की माने तो खंडवा, खरगोन, बैतूल, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, सागर, धार जिलों में एक बार फिर से जो है कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। खंडवा में 6.4, पंचमढ़ी में 3.0, उमरिया में 5.4, रायसेन में 5.5, बैतूल में 5.8, नौगांव में 5.8, उज्जैन में 7.0, खजुरा में 6.5, जबलपुर में 7.8, छिंदवाड़ा में 7.1 ऐसा तापमान रहा। वही भोपाल में लगातार लुढ़क रहा है पारा। जी हाँ दोस्तों, भोपाल में इस बार कई जगहों पर पिछले साल से ज़्यादा सर्द हवाएं, और पिछले साल तो जो है इस महीने में जो है शुरुआत में 8 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन दोस्तों इस साल जो है इस सप्ताह में कई जगहों पर जो है भारी से भारी तापमान में गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों जो है पिछले 7 दिन पहले जो है 7.4 के करीब भी तापमान रिकॉर्ड किया गया था भोपाल में। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल भारी बारिश की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कई जगहों पर ठंडा मौसम काफ़ी ज़्यादा जगहों पर देखने को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भोपाल में साथ साथ जो है कई जिलों में भारी से भारी हमें ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल में दोस्तों जो है इस सप्ताह काफी ज्यादा ठंड रहेगी। और बताया जा रहा है कि भोपाल में 0.3 डिग्री से लुढ़कर 7.9 तक भी तापमान जो है पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि मौसम विभाग का कहना है कि खंडवा, खरगोन, बैतूल, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, सागर, धार जिलों में एक बार फिर से शीतलहर चलेगी। वहीं आपको बता दें कि ठंड के तेवर अभी भी तीखे बने हुए हैं, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को छोड़कर भोपाल, उज्जैन, धार समेत सभी जिलों में अधिकतम तापमान में 0.6 से लेकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा समेत लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, इसके अलावा ज्यादातर जिलों में जो न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट नहीं हुई है, कुछ जिलों में गिरावट स्थिर हो गई है, और सामान्य मौसम भी जो है कई जगहों पर रिकॉर्ड किया गया, और न्यूनतम तापमान जो है कई जगहों पर 0.3 से गिरकर 7.9 डिग्री तक जो है चला गया, और जो कि सामान्य से 4.1 डिग्री कम है। बीते 2 दिनों से दोस्तों कई जगहों पर भारी गिरावट आ रही है। सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो खंडवा 6.4, पंचमढ़ी में 3.0, उमरिया में 5.4, रायसेन में 5.5, और साथ में दोस्तों बैतूल में जो है ना 5.8, नौगांव में 5.8, उज्जैन में 7.0, खजुरा में 6.5, जबलपुर में 7.8, छिंदवाड़ा में 7.1 ऐसा तापमान रिकॉर्ड किया गया कई जगहों पर। और दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर कोल्ड वेव चलने की स्थिति काफ़ी ज़्यादा, यानी कि भारी से भारी शीतलहर चलेगी। और मौसम विभाग ने बताया कि दोस्तों कई जगहों पर जो है दक्षिण और पूर्वी में जो है कई जगहों पर भारी ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों के दौरान भी जो है मध्य प्रदेश में बादल भी बरस सकते हैं, कई जिलों में बारिश भी होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है कई जगहों पर इस महीने जो है मध्य प्रदेश में मौसम जो है आठ सुनाई देने लगी, और बदलाव की आठ जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। और मौसम विभाग की माने तो 2 दिन के दौरान जो है बंगाल की खाड़ी में जो है कुछ नमी आने की संभावना है, जिसके चलते जो है मध्य प्रदेश में एक सप्ताह में जो है कहीं पर भी बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं, यानी कि कहीं पर भी बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि उतार चढ़ाव रहेगा, और बताया जा रहा है कि 5 दिन के बाद बंगाल की खाड़ी में नमी आने के चलते बादल छाए रहने लगेंगे, और राजधानी सहित भोपाल सहित जो है कई जगहों पर पश्चिम इलाकों में बरसात भी हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश भी होने के सिलसिले जारी है। और इसका सबसे ज़्यादा असर भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और चंबल संभाग में पड़ सकता है, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने IMD के अनुमान के मुताबिक दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ, चंबोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के अनुमान है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान जो है उत्तरी नागालैंड में भी वर्षा के अनुमान है। दिल्ली, पंजाब में भी कई जगहों पर, यानी मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में मौसम बदलेगा। और इस वीडियो में हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों MP में बदल जाएगा मौसम का मिजाज। भोपाल, जबलपुर सहित इन संभागों में भारी बारिश के अनुमान। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर बारिश के अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में नमी के कारण मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जिसकी वजह से मध्य
प्रदेश में 2 दिन से जो है कई जगहों पर भारी से भारी ठंड पड़ रही है। और आपको बता दूं उतार चढ़ाव कई जगहों पर देखने को मिलने वाले। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बरसात में जो है कई जगहों पर जो है भारी गिरावट तापमान दर्ज की जाएगी। और बीते 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और रात का सबसे कम तापमान जो है पंचमढ़ी में और जो है कई जगहों पर धार में भी कम रिकॉर्ड किया गया। वही दोस्तों भारतीय मौसम विभाग की माने तो जो है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश में नमी आने लगेगी, जिसके बाद जो है दोस्तों भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और चंबल संभाग में इसका असर देखने को मिलेगा। और इस वजह से दोस्तों संभाग में गरज चमक के साथ जो है कई संभागों में बारिश हो सकती है और इसी दौरान कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने वाली है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है कई जगहों पर मौसम में तेजी से पलट सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। मध्य प्रदेश समेत 8 जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा और मध्य प्रदेश में मौसम अचानक ठंडा होने लगा है और आशंका बताई जा रही है कि कई जगहों पर उत्तर की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार गिरावट जो है दर्ज होने वाली है। और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर ठंड का असर भी काफी ज्यादा देखने को हमें मिलने वाला है और अगले 24-48 घंटों में इसका असर देखने को मिलेगा। ठंड बढ़ने वाली है और सुबह से शाम तक कई जगहों पर नमी देखने को मिलेगी और धूप निकलने के साथ ही कई जगहों पर ठंड का असर रहेगा। और जानकारी के मुताबिक भोपाल सहित जबलपुर, बैतूल, खंडवा, रायसेन, सागर, सिवनी और धार जिले में शीतलहर चलने का और ठंड का असर रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान भी जो है कई जगहों पर भारी से भारी जो है ठंड रिकॉर्ड की गई। और मौसम विभाग की माने था दोस्तों तो कई जगहों पर देश में कई जगहों पर भारी मौसम में बदलाव देखा गया, जिसमें मध्य प्रदेश में जो है दिन में दिन जो है मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में वातावरण में नमी की मात्रा कम होने से कोहरा छाए रहने का अनुमान है। और बता दें कि आपको कई जगहों पर जो है मध्य प्रदेश में भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। और दोस्तों बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में एक दिन जो है कई जगहों पर हाड कांपने वाली सर्दी हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अभी भी ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में और ठंड काफी ज्यादा रहेगी। और होशंगाबाद, नरसिंहपुर छोड़कर सभी जगहों पर तापमान काफी नीचे रहा। और आपको बता दूं मध्य प्रदेश में कई जगहों पर जो है वैज्ञानिकों ने बताया कि मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, बैतूल और बालाघाट में जो शीतलहर चलेगी और राजधानी भोपाल, जबलपुर, सिवनी, सागर, रायसेन, बैतूल, खरगोन, खंडवा, धार जिलों में शीतलहर चलने की संभावना काफी अधिक बताई जा रही है, यानी कि भारी से भारी शीतलहर चलेगी। अगले 30 घंटों के दौरान मौसम विभाग का अलर्ट है कि कई जिलों में शीतलहर चलने के अनुमान जो है बहुत ही ज्यादा है। और आपको बता दूं कई जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के ऊपरी क्षेत्रों में हिमालय को प्रभावित करने की संभावना और हालांकि सुबह से शाम काफी ज्यादा ठंड रहेगी। और बताया जा रहा है कि जबलपुर, सिवनी, सागर, रायसेन, भोपाल, बैतूल, खंडवा और धार जिलों में कहीं कहीं पर काफी ज्यादा जो है ठंड हमें देखने को मिल सकती है अगले 24-48 घंटों के दौरान। और होशंगाबाद में भी भारी से भारी ठंड का प्रकोप रहेगा। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते तो कौन से जिले में रहते कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको बता दूं खंडवा में 6.4, पंचमढ़ी में 3.0, उमरिया में 5.4, रायसेन में 5.5, बैतूल में 5.8 और नौगांव में 5.8, उज्जैन में 7.0, खजुरा में 6.5, जबलपुर में 7.8, छिंदवाड़ा में 7.1 ऐसा तापमान रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में इस बार काफी ज्यादा ठंड देखने को मिली है। और वहीं आपको बता दूं मौसम विभाग की माने तो खंडवा, खरगोन, बैतूल, बालाघाट और साथ में दोस्तों जो भोपाल, जबलपुर, सिवनी, सागर, धार जिलों में एक बार फिर से जो है शीतलहर का प्रकोप रहेगा और मध्य प्रदेश में ठंड का एक और दौर शुरू होने वाला है बहुत ही जल्द, यानी कि बहुत ही जल्द जो है मध्य प्रदेश में हमें काफी अच्छा ठंडा मौसम देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में रहते तो आपके यहाँ पर कितनी ठंड है कमेंट करके जरूर बताना। वहीं खंडवा में, पंचमढ़ी में, उमरिया में, रायसेन में, बैतूल में, नौगांव में और उज्जैन में, खजुरा में, जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी जो है अगले 24-48 घंटों के दौरान रात के समय काफी ज्यादा तापमान गिरने के अनुमान बताए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को छोड़कर भोपाल, उज्जैन, धार समेत कई जिलों पर तापमान भारी से भारी गिरावट दर्ज की गई है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों जो है खंडवा में, खरगोन में, बैतूल, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, सागर, धार में आज दोपहर को भी काफी ज्यादा ठंडा मौसम रहने के अनुमान काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का मौसम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।